मीन राशि के ठीक दूसरे भाव पर अर्थात धन भाव पर सूर्य का गोचर होने वाला है, और यही नहीं साथ में होने वाला है सूर्य ग्रहण। क्या इसका प्रभाव होगा, कब सूर्य का गोचर होगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति कैसी रहेगी और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने का क्या उपाय किया जा सकता है, इसी पर यह वीडियो आधारित है। यदि आप मीन राशि के हैं तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ मीन राशि के जीवन की होने जा रही है। आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं। आप देखेंगे मीन राशि से ठीक दूसरे भाव पर सूर्य देव गोचर करने वाले हैं 14 अप्रैल 2023 को। 14 अप्रैल 2023 को सूर्य देव मीन राशि अर्थात आपके लग्न से निकल करके प्रवेश कर जाएंगे धन भाव पर, दूसरे भाव पर। अब कितने बजे, 2:57 दोपहर में। अब सूर्य देव जैसे ही यहाँ प्रवेश करेंगे बहुत अच्छा सुखद यहाँ पर स्वरूप माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई धन भाव पर सूर्य का गोचर, वो भी सूर्य जब एक नंबर पर होते हैं तो उसे उच्च का सूर्य माना गया है। तो सूर्य जब उच्च का होंगे और धन भाव पर होंगे तो आर्थिक समस्याओं से कहाँ हमें ज़्यादा लंबे समय तक आर्थिक समस्या रहने वाली है। वो तो भाई अच्छा धन की बात कर रहे हैं, अच्छा कुटुंब के सुख की बात कर रहे हैं और आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति को संपन्नता देने की बात कर रहे हैं। कहाँ के स्वामी है सूर्य? तो सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी है, जहाँ पर 5 लिखा हुआ है। छठा भाव का स्वामी सूर्य जब धन भाव में चला जाए तो इस स्थिति को कोई खराब स्थिति नहीं मानेंगे, क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं सूर्य। भले ही सूर्य को गुरु ने पंचम का स्वामी बनाया है तो प्राप्ति, धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से इसे उत्तम माना जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे ही 14 अप्रैल को सूर्य ने ट्रांजिट परिवर्तन किया है धन भाव पर, ठीक 20 अप्रैल 2023 को यहीं पर राहु देव इन्हें लगा देंगे ग्रहण। देखिए जब सूर्य देव यहाँ पर आए थे तो राहु देव पहले से यहाँ पर हैं, अब पहले से यहाँ पर हैं और उनका स्वागत भी किए सूर्य भगवान का कि आइए आप आइए, लेकिन भगवान सूर्य ने राहु के इस पराक्रम को समझ नहीं पाए थे। और राहु तो एक माया भी है ना, राहु एक षड्यंत्र है, तो इस षड्यंत्र को सूर्य भगवान समझ नहीं पाए। और ठीक मात्र 6 दिन बाद मतलब 14 को प्रवेश किए हैं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 को ही तो क्या लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया। वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन 20 अप्रैल को ये ग्रहण भी लग गया। अब ये मानिए एक तरफ तो सूर्य इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, अब ग्रहण की स्थिति में आकर के वहां पर अब सूर्य के ऊपर राहु का आधिपत्य हो गया। कैसे हो गया? सूर्य और राहु को ऐसा, राहु के पास क्या है, राहु के पास सिर्फ सिर है, ऊपर का भाग है, नीचे का भाग नहीं है, शरीर काया नहीं है उनके पास। तो वो उनको ऐसा है कि वो जिनके साथ में रहते हैं, जिन ग्रह के साथ में रहते हैं उनकी काया को ले लेते हैं, उनके शरीर को ले लेते हैं। और यही स्थिति यहाँ पर राहु सूर्य के शरीर को ले लिए। सूर्य कौन है? तो सूर्य तो फिर शासक है, सूर्य राजा है, सूर्य ग्रहों के अधिपति है। तो जब राहु जैसा विनाशकारी ग्रह सूर्य अर्थात शासक का शरीर ले ले तो कैसा मानेंगे, विनाशकारी शासक बन गया है यहाँ पर कौन, तो राहु। अब यहाँ से खेल परिवर्तन है, नेगेटिव इफेक्ट पहला तो मिल जाएगा कहाँ पर, तो धन भाव पर ही। जो पैसे आने वाले थे वहां पर रुकावट, हमने पैसे कहीं से हमको मिलना था, आप देखेंगे अनावश्यक सा बाधा, या फिर प्राप्त होगा तो पूरा प्राप्त नहीं होगा, कहीं पर रुकावट की स्थिति यहाँ पर देखने को बन सकती है। अब यही वो स्थान है जो धन के साथ साथ आपके बैंक का भी है, तो बैंक से लेन देन भी यहाँ पर बहुत अच्छे नहीं रहने वाले। जिसको आपने पैसा दिया है उससे पैसे मिलने में प्रॉब्लम, और जिससे आपने पैसे लिए हैं मान लीजिए पूर्व में लिए होंगे तो उसे आपको चुकाने में यहाँ पर परेशानी आ सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके धन भाव पर है तो आर्थिक विषमता तो यहाँ पर देने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। अब यही वो भाव है जो आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का है, आपके फैमिली का है। इस भाव पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव होने से कुटुंब में, आपके परिवार में देखिएगा जो आपके माहौल है, जो आपके आपस में जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, उसमें आपको खटास देखने को मिल सकती है। जितने लोग भी परिवार में हैं सबके मध्य एक खटास की स्थिति बन सकती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की संभावना, बातचीत के दौरान एक दूसरे का विरोध, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। कुल मिलाकर के पारिवारिक विवाद और कलह की स्थिति से आपको बचना चाहिए। आप ये समझिए
इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को सिर्फ समझना ही नहीं है, इसे अपने जीवन में क्या मुझे करना है इसका आप प्रयास करेंगे तो इसका अच्छा फल ले सकते हैं। आपको जैसे कि आपको धन लेन से बचना है आपने समझा, दूसरा आपने समझा पारिवारिक विवाद से बचना है, विवाद किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता आप ये समझिए। यही स्थान वाणी का भाव भी है, इससे ग्रहण कहाँ लगा है, वाणी पर लगा है। हो सकता है आप जो खोल करके बोलना चाह रहे हैं वहां पर आपकी वाणी कुछ कम पड़ जाए, आप जो बोलना चाह रहे हैं उसे व्यक्त न कर पाए अपने वाणी से, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी भी है। तो इस टाइम पर होता क्या है कि आप किसी से कहना चाह रहे हैं कुछ और वो समझ ले कुछ और, तो इसमें क्या होगा, एक नकारात्मक विवाद की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपका खोए और रंग को शीतल करे आप भी शीतल होए, तो ऐसी वाणी का प्रयोग करना है आप ऐसा समझिएगा। अब किस भाव के स्वामी है, तो भाई छठे भाव के स्वामी है, छठा भाव सूर्य तो यहाँ पर छठे भाव के स्वामी है ना, तो रोग ऋण शत्रु ये सब को लेकर है धन भाव पर, तो यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब राहु की दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर विनाशकारी शासक बन चुके हैं धन भाव पर, अब उनकी दृष्टियों पर भी बात कर लेते हैं। राहु 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि ऑलरेडी आपके छठे भाव पर पड़ रही है जो कि सूर्य की ही राशि है, यहाँ पर आकर के आपके रोग को बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य समस्या को बढ़ा सकते हैं, आपके कर्जों रोग ऋण आपके कर्जों को बढ़ा सकते हैं और आपके शत्रुओं को बढ़ा सकते हैं। तो जो आपके शत्रु हैं उन पर आपको ध्यान देना है, अन्यथा रोग ऋण और शत्रु तीनों की वृद्धि हो सकती है। यही नहीं, आपके शत्रुओं पर आपको गुप्त शत्रुओं पर ध्यान देना है, जो उठे हुए शत्रु हैं जो दिखते हैं ये तो ठीक है भाई, लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं और मुख में हमारे राम रखते हैं, वो कहावत है ना भाई, मुख में राम बगल में छुरी। तो ऐसे शत्रुओं को ऐसे मित्रों को आपको देखना है, ध्यान देना है अपने जीवन में। कर्जों पर ध्यान देना है वरना आर्थिक कर्जे बढ़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, जो लोग ऑलरेडी इस भाव से जुड़े हुए हैं अर्थात जो लेबर वर्ग के लोग हैं, जो लेबर का कार्य करते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ी समस्या और अधिक बढ़ सकती है। कुछ समस्या ऐसी हो सकती है कि दैनिक जीवन के सामग्रियों की यहाँ पर परेशानी आ जाए, तो उस स्थिति में अपने पास धन जो संचय है उसका बर्बादी से उपयोग न करें, अपने पैसों को सोच समझ करके ही अपने खर्चे पर लाएं, तो निरंतर ये समय जो है निकल जाएगा इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव। भाई सबसे बड़ी बात तो आपको पहले ये बता दें, ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहने वाला कब तक है, ये कोई 6 महीना साल भर 4 साल रहने वाला नहीं है, ये सिर्फ इस अमावस्या से अगले अमावस्या तक रहेगा, मतलब कि 20 अप्रैल को ये सूर्य ग्रहण लगा है तो अगले 1 महीने तक आप मान लीजिए, जैसे ही वैशाख कृष्ण अमावस्या को ये ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है, अगले ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तक इस ग्रहण का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। कोई नया कार्य भी आपको फिलहाल अभी 15 दिन तक शुरुआत नहीं करें, गृह प्रवेश है या व्यापार आरंभ है, तो अनुकूलता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब ये तो रही पांचवी दृष्टि, अब सातवीं दृष्टि की बात करते हैं, तो सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो राहु जैसे नकारात्मक जो ग्रह हैं जो सूर्य ग्रहण को लिए हुए हैं, सूर्य के शासक बने हुए हैं, इनका अष्टम में दृष्टि होना कोई बड़ा परिवर्तन भी जीवन में ला सकते हैं, परिवर्तन कोई अच्छा नहीं होगा, आर्थिक समस्याओं को देने वाला परिवर्तन होगा। तो इसलिए भी पुनः फिर से आपसे निवेदन है कि अपने धन संबंधी प्रत्येक कार्य को अच्छे से लेन देन को देख परख करके और उसके बाद निवेश करना, धन व्यय करना आपके लिए उचित बताया गया है। अब नौवीं दृष्टि की बात करते हैं, तो राहु सूर्य की नौवीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। दशम भाव हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारा करियर है, करियर में जो लोग हैं अभी जिन कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस की संभावना है, तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी की संभावना कुछ देखने को मिल सकती है जरूर। तो इसलिए अपने कार्य पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा, आपको कहाँ पर कमी है उस कार्य को सुधारना होगा, बहुत ज़्यादा रिस्क अभी कार्य क्षेत्र में नहीं लेना है। यही वो भाव है जो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति को भी प्रदान करेगा, क्योंकि अच्छा राहु कैसा हो गया, राहु एक बार हमने बताया कि ये कैसा ग्रह हो गया, राहु विनाशकारी शासक हमने अभी नाम रखा था राहु का, तो विनाशकारी शासक ग्रह की दृष्टि यदि हमारे दशम भाव पर आती है तो
तो दशम भाव का है का कर्म का। तो यदि कोई बुरा ग्रह राहु जैसा विनाशकारी ग्रह आपके मन को प्रेरित करेगा अंदर से, किस ओर प्रेरित करेगा, भाई कर्म करो, तो कैसा कर्म करो, तो राहु जैसा कोई राक्षस ग्रह आपको जब प्रेरित करे तो कोई अच्छा कार्य के लिए नहीं करेगा, आपको बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये कर तो कुछ नहीं होगा, रिस्क लेने की संभावना को आपको बढ़ाएगा, आपको प्रेरित करेगा अंदर से, मतलब दो नंबर का काम कर लीजिए, अनैतिक काम कर लीजिए, ये सब प्रेरित करेगा। ध्यान रखिएगा ये सब कार्य बिल्कुल नहीं करना है, अनैतिक कार्य बुरा कार्य कभी हमारे जीवन में सफलता नहीं दे सकता। धीरज रखिए, हो सकता है विलम्ब हो जाए, लेकिन मिलेगा जब भगवान से आपके कर्मों का प्रतिफल, तब वो कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। इस धैर्यता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ऑलरेडी आप 7.5 से आप प्रवेश कर चुके हैं, गुजर रहे हैं। हमने इसके पूर्व में भी वीडियो बनाया था कि आपके जीवन में कुछ चुनौतियों को लेकर के तो ये आए हुए हैं सभी ग्रह, परंतु इससे ज्यादा अच्छा समय मीन राशि के लिए नहीं है। माना जाता है कि यदि चुनौतियां छोटी हैं भाई, तो वो व्यक्ति जीवन में उन्नति क्या करेगा। आपके लिए विधाता ने चुनौतियां बड़ी रखी हैं, तो निरंतर और निश्चय मानिए कि आपको उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी रहेगी। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय के विषय में आपको यही समझना है कि इसमें सूर्य और राहु के उपाय को कर लीजिए। तो राहु के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मीन लगन मीन राशि के लिए राहु कोई सकारात्मक ग्रह नहीं है। वैसे भी धन भाव पर आकर के वो इस भाव को खराब करेंगे। हाँ, राहु के लिए बीच बीच में आप जो मलेच्छ लोग हैं, जो स्वीपर इत्यादि हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, इनको कुछ अपने हाथ से उपहार दे दिया कीजिए बीच बीच में। तो इससे होगा क्या, आपको राहु की कृपा मिलने लगेगी। अपने टॉयलेट, जो घर में आपके टॉयलेट है, इसको आपको स्वयं साफ करना है। यहाँ राहु का आधिपत्य माना गया है, इससे भी राहु की कृपा मिलेगी। इस सूर्य ग्रहण के दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। भानु प्रिय नमस्कार शिव जल से कहा, तो सूर्य को जल चढ़ाना, नमस्कार करना सदैव आपके लिए शुभता कारक होगा। इस समय पर सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा भगवान शिव शंकर की आराधना, क्योंकि राहु के प्रभाव को कम करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना या शिव शंकर की आराधना मानी गई है। जब भगवान विष्णु ने राहु के सिर को छेदन कर दिया था अपने सुदर्शन चक्र से, तब इन्होंने जाकर के भगवान विष्णु से निवेदन किया था कि भगवान मेरा, मैं अब क्या करूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव के पास जाइए। तो भगवान शिव के पास आकर के इन्होंने कहा कि हे महादेव, मेरा कल्याण कैसे हो। तभी भगवान शंकर जी ने राहु के सिर को ही अपना मुंडमाल बना लिया था और अपने पास धारण कर लिया था। तो इसीलिए जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, उस पर राहु का दोष अल्प पड़ता है या नहीं पड़ता है, आप ऐसा जानिए। तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस सूर्य ग्रहण के दौरान आप करेंगे, तो निश्चय मानिए आपके जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन आएगा और ये जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाले हैं राहु के, वो नहीं पड़ पाए। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। हमने इस वीडियो को एक साथ बनाने का प्रयास किया था सभी राशियों के ऊपर, परंतु हम इसे अलग अलग बनाए सभी राशियों पर। कारण यही था कि यदि एक साथ बनता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और दूसरा हम प्रॉपर रूप से आपको इसका विश्लेषण नहीं समझा सकते थे उसमें। तो इसलिए हमने अकेले बनाने का प्रयास किया है, विशेषकर मीन राशि के लोगों के लिए। आपको यदि मेरा यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो, यदि सफल लगा हो, तो अपना लाइक और प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके इस लाइक और कमेंट से मैं बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में वीडियो बनाने के लिए। एक और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एक बार फिर पुनः आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय शिव शंकर।